आई थिंक इट्स गुड दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 3 months ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ. It's 10:35 in the night. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी रात को व्लॉग क्यों स्टार्ट किया, तो उसके पीछे एक स्पेशल रीजन है. थोड़ी देर पहले जाकर मैं एक पार्सल लेके आई हूँ एंड दैट पार्सल हैज समथिंग रियली अमेजिंग. मैं बहुत टाइम से ये चीज़ लेना चाहती थी एंड आई वॉन्ट टू शो कि वो क्या चीज़ है. एंड फाइनली माई ड्रोन हैज अराइव. मैंने ऑर्डर किया था DJI Mavic Mini कॉम्बो और इसके साथ मुझे मिला है ये पूरा किट. दिस इज द हार्ड केस. इसमें कुछ बॉक्सेस हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज है, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है. दीज आर जस्ट सम इंस्ट्रक्शंस. दीज मस्ट बी बैटरीज. यस, 3 बैटरीज है. सो ये है मेन चीज. सो दिस इज न्यू मेंबर इन माई गैजेट फैमिली और ये बहुत ही मिनी है. मजा आएगा इसे उड़ाने में. सो ये उसका कंट्रोलर है, ये चार्जिंग पोर्ट, दीज आर एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, चार्जिंग कॉर्ड. ये जो ड्रोन ही आया है हैदराबाद से, ये बुक किया था ऑन 8th of August लेकिन मुझे ये आज मिल रहा है. लास्ट 3 दिन से मैं जो यहाँ का पार्सल हब है वहाँ पर गई थी बट आई वॉज अनेबल टू गेट इट. आज जाकर लिटरली उनका पूरा गोडाउन उल्टा पुल्टा करके फाइनली दे गेव मी माई ड्रोन. आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. आज का मेरा प्लान ये है कि आई एम गोइंग टू रीड ऑल द मैनुअल, आई एम गोइंग टू वॉच फ्यू वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड देन टुमारो आई एम प्लानिंग अ स्मॉल राइड. यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर प्लेन सर्फेस है और वहाँ पर मैं ड्रोन उड़ाना ट्राई कर सकती हूँ. आई होप कि कल ही कुछ अच्छे फुटेजेस मिल जाए. अभी मेरा प्लान सिर्फ इसे उड़ाना है. इसके बाद में मैं इसका डिटेल रिव्यू जरूर करूंगी एंड आई विल शेयर दैट लिंक विद यू ऑल. इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock नाउ एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली एंड टुमारो आई विल स्टार्ट फॉर अ राइड. तब तक आई एम गोइंग टू रीड ऑल द मैनुअल्स. आज फाइनली मैंने सोचा कि जो वीडियो मैंने बनाया था उसे कंटिन्यू कर दूं एंड दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ जो इनिशियल कुछ मिनट्स आपने देखे. मुझे एक्चुअली जाना था कहीं और लेकिन पुणे के आसपास मुझे यही जगह मिली. एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक और वीडियो बनाया, आपने वो ज़रूर देखा होगा, कासर साई डैम का वीडियो. यही लोकेशन में मैं वापस आई हूँ टू फ्लाई माई ड्रोन. ड्रोन आया था ऑगस्ट में और उसके बाद में मैंने थोड़े दिन तक इसे यूज़ भी किया. जो इनिशियल पार्ट आपने देखा वो मैंने ड्रोन आने के साथ शूट किया था. उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर मैं ये वीडियो बनाऊँ और अभी आई थिंक आई हैव यूज दिस ड्रोन इन फ्यू ऑफ माई वीडियोज. सो ये 3 महीने में मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके बहुत सारे फीचर्स भी मुझे पता चले, मैंने यूज़ किया. आई थिंक इट्स गुड दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 3 months ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ. इट्स रियली फन टू यूज़ दिस ड्रोन. एक तो बहुत छोटा है, इसे मैंने सच में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. ये ड्रोन लेने का मेन रीज़न ये था कि ये 249 grams का है. 250 grams के ऊपर हमें ड्रोन को रजिस्टर करना पड़ता है. सो दिस कम्स अंडर टॉय कैटेगरी. ये ड्रोन को मैंने लास्ट 3 महीने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया. यू कैन जस्ट सी, एक बार क्रैश भी किया है इसे मैंने. ड्रोन को लेने का मेरा मेन इंटेंशन वाज कि मुझे एक कॉम्बो ऑफर मिली जिसमें आई गॉट 3 batteries, 1 controller एंड ड्रोन. सो अभी एक बैटरी तो अंदर लगी हुई है और ये 2 batteries है. सो कॉम्बो लेने का यही फ़ायदा. अदरवाइज क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा बैटरीज लेनी पड़ेगी, बार बार बैटरीज को चार्ज करना पड़ेगा. एज वेल एज़ कॉम्बो के साथ यू ऑल्सो गेट दिस बॉक्स जो आपके सारी चीज़ों को एक ही जगह पे रखता है. सो आई कैन जस्ट पिक दिस अप एंड गो. इसके साथ मुझे प्रोपेलर गार्ड भी मिला है बट वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ. ये ड्रोन 1080 और 2.7K वीडियो रिकॉर्ड करता है. इट डजेंट रिकॉर्ड 4K वीडियोस, विच इज़ ओके आई फील, बिकॉज आई नीड हार्डली फ्यू शॉट्स ऑफ ड्रोन. आई थिंक फॉर पीपल लाइक मी हु आर इनटू ब्लॉगिंग और मोटो ब्लॉगिंग, फॉर देम दिस इज़ अ परफेक्ट ड्रोन. इसका एक ही छोटा सा ड्रॉबैक है कि 4K रिकॉर्ड नहीं करता, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट माई नीड, सो आई वुड नॉट कंसिडर इट एज अ ड्रॉबैक. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मेरा ड्रोन कौन सा है, ये कितने रुपीज़ का है, मैंने कहाँ से लिया, इसलिए ये वीडियो एक्चुअली बन रहा है. सो बेसिकली ये ड्रोन मैंने लिया है अमेजोन से और मुझे ये मिला है 38,000 में, विच वॉज एक्चुअली अमेजिंग डील. अभी वो अवेलेबल नहीं है बट स्टिल आई एम गोइंग टू पुट दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. जब भी अवेलेबल होगा जस्ट ग्रैब इट. आई वुड से दैट 38,000 इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस ड्रोन. एंड अगर आप एक रेगुलर यूजर हो या इफ़ यू आर इन टू फोटोग्राफी एज वेल, यू कैन एक्चुअली बाय दिस ड्रोन. या अगर आप बाहर भी जाके लोगे तो यू माइट गेट इट फॉर 58,000 और समथिंग लाइक दैट. बट आई थिंक दैट यू शुड वेट
for Amazon deal and then buy it because 38,000 mein it's worth buying. So now there are few features which I would like to tell because ye drone lene ke baad I have experimented a lot and seekhna bhi pada thodi bahut cheeze. Sach kahu to maine kabhi socha nahi tha ki main drone lungi because mera drone lene ka bilkul irada nahi tha. GoPro aur DSLR se mera kaam ho raha tha and I never thought ki I'll be buying a drone because kya hota hai jab aap moto vlogging karte ho ya travel vlogging karte ho aapke paas already bahut sara saman hota hai. Mera to already ek bag ban jata hai gadgets ka. And so I was not thinking of adding one more gadget in my kitty. Lekin when I saw this deal, it was really worth buying. And ab main keh sakti hu ki this was a really good decision ki maine ye drone liya because response which I am getting in this videos, you guys are really loving my drone shot and even I am enjoying using this drone. Ek bird eye view bhi main dikha pa rahi hu aap logon ko. I think I'll be upgrading it but not this year, maybe after a few years I'll be doing that. Lekin abhi ke liye I would recommend that this is really amazing drone and chota sa hai, compact hai, aapke bag mein fit ho jata hai and people like me this is something like perfect. So I am actually enjoying this drone. Ko assemble karna and setting up is very easy. So you just need one app in your phone, that is DJI Fly. Ye aapko bata dega ki kaun se restricted area hai, kaun se area mein aap fly kar sakte ho, kitne altitude pe aap fly kar sakte ho. All these details you can get in this app. It's very easy to connect your drone with this app. So sabse pehle first step is to fix battery and card. Next step is to fix your controller. I would recommend to always keep your antennas in this way, that is little bit tilted. You also get connectors with this drone. तीन टाइप के कनेक्टर्स मिलेंगे, एंड्रॉयड, टाइप सी और एप्पल. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज टाइप सी केबल. इट्स सिंपल टू स्टार्ट योर ड्रोन. फर्स्ट यू नीड टू प्रेस इट वंस एंड देन होल्ड इट, सो इट्स ऑन. आपको एक साउंड सुनाई देगा, देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर दैट योर ड्रोन इज ऑन. जस्ट प्लेस इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस. अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई इसलिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप वन बोर्ड जिसके ऊपर आप एक हेलीपैड बना सकते हो आपके ड्रोन के लिए. यहाँ पे थोड़ा रफ सर्फेस है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी अदर सर्फेस. नाउ आई विल कनेक्ट माई कंट्रोलर विद दिस ड्रोन एंड देन वी विल फ्लाई. जॉयस्टिक निकालना मैं भूल गई, सो यू नीड टू फिक्स योर जॉयस्टिक्स. कंट्रोलर को ऑन करना बड़ा ईजी है. यू जस्ट नीड टू प्रेस इट वंस एंड देन लॉन्ग प्रेस. ये ऑन हो गया. नाउ कनेक्ट एयरक्राफ्ट. यू कैन सी दिस व्यू एज वेल एज यू हैव टेक ऑफ परमिशन. यहाँ पर तीन मोड दिए हुए हैं, दैट इज स्पोर्ट्स मोड विच इज फॉर हाई स्पीड, सिनेमैटिक मोड एंड पी मोड. हियर यू कैन चेंज फंक्शंस लाइक फोटोग्राफ, वीडियो एंड क्विक शॉट्स. सो फोटोग्राफ के लिए देर आर टाइम शॉट्स एज वेल वेर यू कैन सेट अप अ टाइम एंड टेक पिक्चर्स. वीडियो के लिए यू कैन जस्ट प्रेस दिस. देर आर टू वेरियंट्स इन दिस, दैट इज 2.7K एंड 1080. यू कैन ऑल्सो एडजस्ट FPS. क्विक शॉट्स इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. क्विक शॉट के बारे में थोड़ी देर के बाद में बता दूँ जब ड्रोन हमारा ऊपर होगा. सो नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू टेक ऑफ. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक दिस बटन एंड लॉन्ग प्रेस. There are three types of joystick settings. I am using default one. You also have quick buttons where you can shift from video and photograph. So I'm going to take few pictures. Total fly time आपको मिलता है लगभग 10 to 15 minutes. I'm getting this beautiful shot of Kasai Sai Dam. मुझे एक सिग्नल मिल रहा है वीक एंटीनास बिकॉज देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन. इफ योर ड्रोन इज विजिबल एंड यू कैन जस्ट लैंड इट एग्जैक्टली वेर एवर यू कैन सी. अदरवाइज यू कैन जस्ट आस्क योर ड्रोन यूज दिस फीचर फॉर रिटर्न होम. जहाँ से टेक ऑफ लिया था वो वहीं पर आ जाएगा. सो दिस ड्रोन इज कमिंग डाउन एंड आई कैन ऑलवेज कैंसिल दिस लैंडिंग बिकॉज यहाँ पे रफ सर्फेस है. So I'm not going to land it on this surface. Once drone is visible and I know where it's going to land, so what I'm going to do is I'm just going to cancel my landing and then I'll do manual landing. So ye maine practice karke seekha hai basically. Aap isse normally bhi land kar sakte ho surface par, otherwise I'll show you this trick, but this is not to be used, this is not recommended, but if you have such surface you can use this. Main ek sensor laga hua hai, so agar koi obstruction aata hai so definitely it will go up. So abhi ye wahi ho raha tha, like it is treating my hand as an obstruction, but I'll just try and get it landed.
तो ये एक टेक्निक है जिससे आप आपके ड्रोन को लैंड करवा सकते हो। अभी ड्रोन के कुछ और शॉट्स देखते हैं जो मैंने कहा था कि क्विक शॉट्स हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ शॉट्स व्हिच दिस ड्रोन ऑफर्स। फर्स्ट शॉट व्हिच आई एम गोइंग टू टेक इज ड्रोनी। सो दिस इज अ एंगुलर शॉट, सो ड्रोन विल गो अवे फ्रॉम मी। सो नाउ लेट्स डू इट। So drone shot is done. Now I'm going to take rocket shot, which is like a drone will go vertically upwards 25 meters. So yahan pe do option hai, and from 25 meters to 40 meters I'm going to try just 25 meters, and now let's do this vertical shot, and it's known as rocket shot. शॉर्ट्स लेने में बैटरी ड्रेन आउट हो गई, सो आई गॉट अ सिग्नल दैट लो बैटरी, लैंड इमीडिएट। सो मैंने इसे बुला लिया वापस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज बैटरी। सो यही फायदा है कॉम्बो का कि बैटरी अगर आपके पास एक्स्ट्रा, यू कैन जस्ट डू इट, अदरवाइज मुझे अब चार्ज करना पड़ता। ड्रोनी शॉट, रॉकेट शॉट, और अब हम ट्राई करेंगे सर्कल शॉट। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल शॉट जो इसमें आप ले सकते हो, दैट इज हेलिक्स। सो वॉट विल हैपन इज कि ड्रोन आपके साइड में घूमेगा एंड देन इट विल कम इन सेंटर। सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस, एंड इसमें भी आप 10 मीटर से लेकर 40 मीटर्स तक का सर्कल बना सकते हो। आई एम गोइंग टू ट्राई विथ 15 मीटर्स, आई थिंक दैट शुड बी। आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होगी, मैंने बहुत डिटेल में रिव्यू नहीं किया है, जो भी रिव्यू किया है वो मेरे एक्सपीरियंस ही किया है। एंड नाउ यू कैन जस्ट चेक आउट फ्यू मोर ड्रोन शॉट्स विच आई हैव टेकन इन माय रीसेंट ट्रिप, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू लव देम। देर आर फ्यू मोर एंड अमेजिंग ड्रोन शॉट्स कमिंग अप इन माई नेक्स्ट वीडियोज, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों के पास भी ये ड्रोन है तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि हाउ यू आर लाइकिंग दिस ड्रोन, एंड इफ यू आर लविंग दिस ड्रोन। आई विल जस्ट टेक लीव एंड डू वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।